हम देखो इसमें फ्रिक्शन कितने तरह का होता है, तो मेनली दो तरह का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, या इसको डायनेमिक फ्रिक्शन बोल सकते हो। अच्छा नाम से एकदम क्लियर है, स्टैटिक मतलब क्या होता है, रुका होगा है ना, इसका ये जो फ्रिक्शन होगा उस वक्त लगेगा जब ऑब्जेक्ट या कोई ब्लॉक रुका हुआ होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगना है जब कोई ब्लॉक मूवमेंट होगा, मतलब उसका चलना होगा, चल रहा होगा, यानी काइनेटिक कंडीशन में होगा यानी डायनेमिक कंडीशन में होगा तब ये लगेगा, यानी ये पक्का हो गया ये तब लगाना है जब चल रहा होगा है ना, और ये तब लगाना है जब स्थिर होगा। अब इसमें फिर दो तरह का होगा, स्टैटिक बेसिकली ये प्योर स्टैटिक होगा, स्टैटिक का फिर दो पार्ट होगा, स्टैटिक और लिमिटिंग। तो ये जो फिर दोबारा स्टैटिक लिखे हैं मतलब निश्चिंत रहे हम लोग कि नहीं चल रहा है ना, यानी प्योर एक तरह से स्टैटिक। और लिमिटिंग मतलब क्या हो गया, चलने चलने वाले कंडीशन में, यानी अब हम लोग प्लान करें आखिर अब क्यों नहीं चल रहा है ना, तो ये स्पेशल केस होता है स्टैटिक का, मतलब अब चलने चलने वाला जस्ट, इसलिए बोलते हैं लिमिटिंग है ना। तो ये सारा चीज तुम सीखोगे, अब हम लोग एग्जांपल करते हैं फिर वन बाय वन करके अपने आप क्लियर हो जाएगा कि किसको स्टैटिक बोलते हैं, किसको लिमिटिंग बोलते हैं, किसको काइनेटिक बोलते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग सीखे थे कि फ्रिक्शन फोर्स होता है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको म्यू बोलते हो और दूसरा नॉर्मल फोर्स। तो हम एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कोई ब्लॉक है, कितने केजी का ये ब्लॉक है, 10 केजी का, इसका वेट कितना हो गया 10 जी, रखा हुआ है तो क्या लगेगा, नॉर्मल, यहां पर रखा हुआ तो नॉर्मल लगेगा। अब तुम इधर ताकत लगा रहे, तो ये हो गया अप्लाइड फोर्स। तुम सिखाए थे कि अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स असल उसके अपोजिट रहता है, और यहां से दिखाएंगे ये हो गया तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। तुमको दिया हुआ है, गिवन क्या है, म्यू दिया हुआ है कितना है 0.5, फॉर एग्जांपल म्यू दिया हुआ है कितना है 0.5, अगर म्यू दिया हुआ है हमको कि 0.5 है तब फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अप एंड डाउन तो नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, 10 जी नीचे हो गया, n ऊपर हो गया है ना, तो तुम बोल सकते हो n किसके इक्वल होता है 10 जी। अच्छा जी के जगह पुट भी कर देते हैं, 9.8 नहीं पुट करके 10 ही पुट कर देते हैं, तो कितना हो गया 100 न्यूटन। तो नॉर्मल फोर्स कितना हो गया 100 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन होता है, म्यू कितना दिया हुआ है 0.5 और एन कैलकुलेट करके कितना आया है 100, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 50 न्यूटन। ये फ्रिक्शन फोर्स निकाल के अब यहां पर ध्यान देना, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं 80 न्यूटन, फोर्स कितना लगा रहे हैं 80 न्यूटन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है 50, तो बोलो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो बोलोगे हाँ एकदम आगे बढ़ेगा, क्योंकि जितना फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज्यादा ताकत है, एकदम बढ़ना है, कोई सोचे तो इसको बोलते हैं काइनेटिक, जहां पे चले है ना, यानी अभी आराम से चले। लेकिन अगर तुम लगाओगे 30 न्यूटन, अप्लाई कर दे 30, अब बताओ चलेगा कभी भी, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना निकाल के लाए 50, और ताकत कितना लगा रहे उससे कम, तो खींचना चाह रहे लेकिन खींचा नहीं रहा है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है उससे ज्यादा है ना। तो ये कौन सा पार्ट हो गया स्टैटिक, जब नहीं चलेगा तो कौन सा पार्ट हो जाएगा स्टैटिक, और जब चलेगा, और स्वाभाविक है चलेगा कब, जितना फ्रिक्शन फोर्स है उससे ज्यादा ताकत लगाओगे चलेगा, उससे कम लगाओगे तो नहीं चलेगा। यहां पे एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान देना, तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ फ्रिक्शन नॉर्मल, तुम 9-10 की बात करते हो, अगर हम बोले कि ये अगर कोई ब्लॉक है 10 केजी का, ध्यान से इसको देखना, अगर इस तरफ लगा रहे 10 न्यूटन और अभी ये रेस्ट में, तो बताओ तो अगर कोई व्यक्ति उधर लगाता है 10, तो बताओ तो हम कितना लगाएं जो कि ये
हिले डुले नहीं, मतलब स्थिर रहे। तो तुम बोलोगे अगर उधर 10 लगा रहा है तो आपको भी 10 लगाना, तभी संभव है कि यह स्थिर रहे। अच्छा अगर कोई इधर 20 न्यूटन लगाएगा तो पूछे बताओ तो हम कितना लगाएं जबकि यह स्थिर रहे, तो बोलोगे 20 ही लगाना, जरा सा भी ज्यादा या कम नहीं लगाओगे। यानी जितना तुम लगा रहे हो उतना ही हमको भी लगाना होगा, तभी संभव है कि ये ब्लॉक रेस्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं संभव। अब बताओ तो अगर हम लगा रहे हैं 30 न्यूटन है ना, तो बताओ तो इधर कितना लगाए जो कि स्थिर रहे, तो बोलोगे 30 न्यूटन लगाएंगे, लगाएंगे। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि नहीं हम 30 लगा रहे हैं इधर और इधर लगाएंगे 50, तो बताओ तो अब क्या होगा। तो अगर कोई इधर लगाएगा 30 और इधर लगाएगा 50, तो किधर आने लगेगा, इधर इस प्रभाव या किधर आएगा बताओ, क्योंकि तुम लगा रहे हो 30 हम लगा रहे कितना 50, तो स्वाभाविक इधर है। ये स्थिर तभी रह सकता है जब जितना अप्लाई इधर किया गया है उतना ही अप्लाई इधर किया गया, यानी अगर उधर 30 लगाया गया है तो इधर भी कितना लगाना होगा 30, तभी संभव है कि ये रुका रह सकता है। और अगर कोई बोले कि नहीं हम लगा रहे 30 और इधर लगा रहा 50 और रुका हुआ है, तो गलत हो जाएगा पूरा कंप्लीट फंक्शन। इसी चीज का यहां पर ध्यान रखना है। फ्रिक्शन फोर्स हम लोग निकाले, म्यू दिया हुआ था कितना 0.5, अप एंड डाउन नहीं कर रहा, इसलिए एन किसके इक्वल हो गया 10 जी के इक्वल। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, म्यू दिया हुआ था एन दिया हुआ था, निकाले 50 आया। तो ये जो 50 निकाले इससे हमको ये चीज पता चल गया कि अगर 50 से अगर अधिक ताकत लगाएंगे तो ब्लॉक चलेगा और 50 से कम लगाएंगे तो नहीं चलेगा। ये हमको समझ में आने लगा, फिलहाल कितना लगा रहे 30, तो हमको समझ में आ गया कि ये नहीं चलेगा, यानी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और अगर ये नहीं चल रहा है तो ये पक्का है कि अगर इधर लगाया गया है 30 तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ तो फ्रिक्शन फोर्स कितना बोलोगे, 50 न्यूटन, 30 न्यूटन, 0 न्यूटन, कौन सा सही आंसर होगा। तो तुम बोलोगे चूंकि ये चल नहीं रहा है रेस्ट में, और रेस्ट में कोई भी सामान तभी रह सकता है जब हर तरह का फोर्स एक दूसरे फोर्स को बैलेंस करे। यानी अगर इधर लगाया गया है 30 तो फ्रिक्शन फोर्स भले ही कैलकुलेट करके आया हो 50, लेकिन अगर अभी पूछा जाए कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है तो हम बोलेंगे 30। क्यों बोलेंगे 30? क्योंकि इधर अगर 30 लग रहा है तो इधर भी 30 लगेगा, तभी संभव है कि ये सामान रुका हुआ रह सकता है। और अगर हम 50 लिख देंगे फ्रिक्शन फोर्स तो क्या होगा, ये इधर आना चाहेगा न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, और वो तो होगा नहीं प्रैक्टिकली कि हम लगा रहे 30 कोई सामान पे नहीं खींचा रहा है, इधर थोड़ी आ जाएगा। अब बताओ अगर हम 20 न्यूटन लगाएंगे, हम लगा रहे 20 न्यूटन, तो तुम बोलोगे चलेगा कि नहीं चलेगा, तुम बोलोगे नहीं फ्रिक्शन फोर्स कितना है 50, हम कैलकुलेट करके लाए हैं, 50 से कम पर तो चलने का सवाल नहीं उठता, 50 से कम पे चलने का सवाल नहीं उठता है, इसलिए पक्का है कि 20 न्यूटन लगाएंगे कभी नहीं चलेगा। तो बोले पता तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखोगे, 50 लिखोगे कि 20 लिखोगे, तो तुम लोग 20 लिखेंगे, 50 नहीं लिखेंगे। 20 क्यों लिखेंगे, क्योंकि चूंकि ये चल नहीं रहा है इसलिए इधर और इधर क्या होगा बराबर, तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होता है अगर कोई सामान रुका हुआ रहता है, यानी रेस्ट में रहता है, स्टैटिक कंडीशन रहता है, इसी फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फोर्स। अब अगर कोई लगा रहा है 10 न्यूटन तो बोले बताओ तो चलेगा ये, तुम बोलोगे कभी नहीं चल सकता क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कितना है 50 है, 10 तो चलेगा ही, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना लिखोगे, तो बोलोगे 10 50 बिल्कुल ही लिखोगे। अच्छा अगर कोई नहीं लगा रहा 0 न्यूटन कुछ रखा हुआ है नहीं लगा रहा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा 0। अगर कोई 40 न्यूटन लगा रहा तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा 40, क्योंकि 40 में भी नहीं चलने वाला, 40 50 न्यूटन लगाएंगे चलेगा कि नहीं चलेगा, फिर भी नहीं चलेगा, ये इसका बाउंड्री हो गया, 50 वैसे बाउंड्री है। तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन में जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होता है। हम लोग कैलकुलेट करके लाए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है 50 है,
इससे हमको ये आइडिया लग गया कि 50 से अगर ज्यादा ताकत लगाएंगे तो चलेगा, उससे कम लगाएंगे तो नहीं चलेगा। ये चीज अब यहां पे स्टैटिक में क्या होगा वो देखते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स होगा। अगर अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन है तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा 0। अप्लाई किया है 10 तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा 10। अप्लाई किया 20 फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा 20। अप्लाई किया 30 तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा 30। अप्लाई किया 40 फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा 40। अप्लाई किया 50 लास्ट बाउंड्री इसका, इसका जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही क्या होगा इसका फ्रिक्शन फोर्स होगा, है ना। तो ये किसका पार्ट हो गया, स्टैटिक का। यानी जहां तक तुम निश्चिंत हो कि नहीं चलेगा तो उसको बोलते हैं स्टैटिक। ये चीज लेकिन 50 से जैसे ही एक्सीड करेंगे तो अब तो चल जाएगा। अब अगर बोलेंगे कि बताओ लगा रहे 80 न्यूटन चलेगा कि नहीं चलेगा तो तुम बोलोगे श्योर चलेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स वही रहेगा जिसका कैलकुलेट कर गया, कितना 50 है तो 50। तो ताकत कितना लगा रहे हैं 80, हम जान गए 50 से अधिक ताकत लगा रहे हैं इसे चलने चल रहा है। तो काइनेटिक में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जितना कैलकुलेट करके लाते हो, है ना, फ्रिक्शन फोर्स जितना कैलकुलेट करके लाए न्यू इन टू वही फ्रिक्शन फोर्स इसका रहना चाहिए बस। और इधर लगा रहे कितना 80, इधर कितना 50, इधर जाएगा ये आगे जाएगा। क्या ये बताओ तो क्या होगा इसका एक्सप्रेशन एकदम आराम से लिख सकते, जैसे पहले लिखते थे 80 न्यूटन क्या चाह रहा आगे लेके जाए, ये जो फ्रिक्शन है 50 ये क्या चाह रहा है रोकना चाह रहा है, ये नहीं बोलना कि पीछे लेके जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स रोकता है अपोज करता है। तो 80 न्यूटन चाह रहा आगे लेके जाए, ये चाह रहा है इसको रोकने के लिए, लेकिन जाएगा कि नहीं जाएगा आगे, हाँ क्योंकि 80 न्यूटन ज्यादा बड़ा है इस 50 से। तो लिखेंगे F बराबर क्या होता है M इनटू A, कितना 80 माइनस 50 नेट फोर्स सही हुआ कि नहीं, 80 इधर है 50 इधर है, कितना केजी का 10 केजी का, तो 30 इक्वल टू 10 इनटू A, A इक्वल टू कितना होता है 3 मीटर पर सेकंड। चलिए तुम 70 भी लगाओगे तो ऊपर भी चलेगा, 60 भी लगाओगे तो ऊपर भी चलेगा, लो 60 लगाए चलेगा नहीं चलेगा, हाँ इधर चलेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना है 50 है इधर चलेगा। तो क्या लिखेंगे 60 न्यूटन चाह रहा आगे लेके जाए, 50 इसको रोकना चाह रहा लेकिन जाएगा एकदम आराम से, इसलिए फ्रिक्शन नेट फोर्स क्या होगा 60 माइनस 50 ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड। तो ये है बेसिकली काइनेटिक का पार्ट, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब जब चलने वाला होगा, जब चल रहा होगा बेसिकली, और कब चलेगा जब 50 से अधिक ताकत लगाएंगे तब चलेगा, है ना, ये बात है। अब लिमिटिंग जो है ना वो सब जगह नहीं होता, लिमिटिंग बहुत कम क्वेश्चन में मिलेगा तुमको, है ना। लिमिटिंग का क्या होता है उसको ध्यान देना। अब क्या है, अभी हम देखे कि ये 10 केजी का एक ब्लॉक था, अब लिमिटिंग सीख रहे हैं, इसका वेट कितना हो गया 10 जी, ये क्या हो गया नॉर्मल, फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कैलकुलेट करके लाए ही थे कितना था 50। हम ये समझ में आ गए कि हम जो ताकत लगाएंगे अगर 50 के अंदर ताकत लगाएंगे यानी 50 तक तब तो नहीं चलेगा, 50 से ऊपर लगाएंगे चलेगा। तो 50 से पहले वाला केस यानी अप टू 50 तक का केस, 0 से लेकर 50 तक का केस कौन सा हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन का। अब 50 से अधिक लगाने लगे 70 60 80 तो चल रहा है, वो किसका केस हो गया काइनेटिक का। अब लिमिटिंग कब होता है वो देखना, लिमिटिंग में से हर समय नहीं होगा निश्चिंत रहो। क्या हो गया यहां पर हम लोग कोई एडहेसिव लगा दिया, एडहेसिव मतलब कोई भी चिपकाने वाली चीज, गम कोई भी लगा दी, फेवी कोई भी लगा दी, फेवी कॉल लगा दी, कुछ भी लगा दी, है ना। अगर फेवी कॉल नहीं लगा होता तब तो हमको समझ में आ गई 50 से अगर अधिक ताकत लगाने चाहिए। अब क्या कर दिया, फेवी कॉल लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल हम बता दें ये दिया हुआ है एडहेसिव फोर्स कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, इसका फेविकॉल को उखाड़ने के लिए 5 न्यूटन और एक्स्ट्रा चाहिए। फेविकॉल जब तक उखड़ेगा नहीं, अगर फेविकॉल नहीं लगा रहा तो 50 से अधिक लगा वो चलता, लेकिन फेविकॉल लगाने से परेशानी हो गया कि एक तो ये तो 50 रहेगा ही रहेगा, प्लस 5 बढ़ गया है, है ना। तब
तो अब टोटल फ्रिक्शन कितना हो गया, एक तो फ्रिक्शन फोर्स नेचुरल जो था था, एक तो अपना था ही, अब प्लस एक फ्रिक्शन फोर्स एडहेसिव वाला आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, तो ये कितना था 50 था ही पहले से जानते थे, अब प्लस 5 न्यूटन हमने एग्जांपल दिए हैं कि एडहेसिव यानी फिर भी कॉल कारण 5 न्यूटन और हो गया, यानी अब कितना हो गया 55 न्यूटन। तो पिछली बार क्या था कि हम 50 न्यूटन लगाते थे, 50 न्यूटन तक लगाएंगे तो निश्चिंत है नहीं चलेगा, 40 लगाते थे तो 40, 30 लगाते थे तो 30, 50 तक नहीं, जैसे ही 50 से बढ़ाए फट से चलना स्टार्ट कर देता है, इस बार अब ऐसा नहीं हो, फेविकॉल से चिपका दिया। अब अगर तुमसे कोई बोले बताओ तो 52 लगाएंगे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो तुम इस बार बोलोगे नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 50 तो सा अपना था लेकिन फेविकॉल भी तो खड़ना होगा, जब तक ये उखड़ेगा नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेगा, तो इसी पार्ट को बोलते हैं लिमिटिंग, यानी अब हम लोग सोच रहे हैं आखिर काहे नहीं चल रहा है ना, 50 तक तो समझ में आ गया कि ठीक है अपने कारण नहीं चल रहा, लेकिन 50 के बाद हम लोग सोच रहे हैं आखिर क्यों नहीं चल रहा है, तो उसी पार्ट को बोलते हैं लिमिटिंग, यानी अब चलने चलने वाला है लेकिन चल नहीं पा रहा, इसलिए किसके पार्ट में आ गया, स्टैटिक के पार्ट में आ गया है ना, यानी ये चलता नहीं है लेकिन हम लोग मन में सोचते हैं कि आखिर क्यों नहीं चल रहा है, है ना, अब तो चलना चाहिए, तो रीजन है ये नहीं होता तो चलता, तब कितना लगा के 52 न्यूटन, तब अगर तुमसे पूछे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो एकदम चूंकि ये चल नहीं रहा है एकदम निश्चिंत रहो, अगर ये चल नहीं रहा है तो जितना अप्लाई फोर्स होगा 52 है इधर भी कितना होगा 52 होगा, कोई भी बड़ा छोटा नहीं हो सकता। अच्छा 53 लगाएंगे, 53 लगाएंगे चलेगा, तुम बोलोगे नहीं क्योंकि अभी 55 टोटल चाहिए इसको आगे बढ़ने के लिए, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 53। अच्छा आप लगा रहे 54 न्यूटन चलेगा कि नहीं चलेगा, तुम बोलोगे नहीं अभी भी नहीं चलेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 54। अब बोलेंगे 55 ये बाउंड्री हो गया इसका, अब फेविकॉल उखड़ने वाला है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया 55। जैसे ही 56 लगाएंगे अब चलेगा कि चलेगा, एकदम चलेगा, अब फेविकॉल उखड़ गया अब ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे ही फेविकॉल उखड़ जाएगा कि ये वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, अब दोबारा थोड़ी फेविकॉल चिपक जाएगा जाकर के उसमें, है ना, तो ये खत्म हो जाएगा और अब फ्रिक्शन फोर्स वापस कितने पर आ जाएगा फिर से 50 पर, यानी एक बार उखड़ गया उतना ही में दिक्कत है, जो दिक्कत था शुरू में इनिशिएट करने में दिक्कत था, अब एक बार उखड़ गया तब तो आगे जाएगा जाएगा। कई बार हम लोग देखे होंगे कि गाड़ी को आगे या कोई भी चीज को खींच रहे हैं, खींचने में थोड़ा ताकत, एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो थोड़ा सा कम ताकत लगता, तो वो पार्ट लिमिटिंग का ही होता है कि जब ताकत लगाए खींच रहे एक बार खींचा गया तो एकदम स्मूथली जाने लगेगा, तो ये जो पार्ट होता है वो चिपका रहता है, और बहुत सारा चीज नेचुरल एडहेसिव भी होता है, जैसे अगर तुम देखो इस बार चिपका देंगे तो क्या होता है बहुत सारा चीज चिपक जाता है या नहीं चिपक जाता है, वैक्यूम क्रिएट करता है, तो वो नेचुरल एडहेसिव है, जो वैक्यूम क्रिएट कर रहा है वो पार्ट ऑफ नेचुरल एडहेसिव होता है, तो इसीलिए हम लोग लिमिटिंग के बारे में उस वक्त पढ़ेंगे जब हम लोग प्लान कर रहे थे कि अब चलना चाहिए और वो चल नहीं पा रहा, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज है जिसके कारण वो नहीं चल पा रहा, तो अगर एक बार आगे बढ़ गया ये अब आगे बढ़ गया 60 न्यूटन लगा आगे बढ़ गया, अब ये जैसे ही आगे बढ़ गया तो ये किसका कंडीशन हो गया डायनेमिक का, अब फ्रिक्शन फोर्स वापस कितने पर आ जाएगा 50 पर, जब चलने लगेगा तब तो नेचुरल ये वाला खत्म हो जाएगा पार्ट, तब तो उसका क्या होगा 50 अपना रहेगा, है ना, ये जी। तो हम लोग फ्रिक्शन कितने तरह का पढ़े, मेनली दो तरह का होता है, एक स्टैटिक दूसरा काइनेटिक, स्टैटिक तब होगा जब बिल्कुल चलेगा निश्चिंत है कि नहीं चलेगा, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स जो हो गया वो हो गया स्टैटिक और दूसरा हो गया काइनेटिक, हम एग्जांपल से क्लियर कर दिए हैं सब, स्टैटिक का फिर दो पार्ट आ गए, एक परफेक्टली स्टैटिक का दे दो सोचना ही नहीं कि चलेगा, दूसरा लिमिटिंग, ये वैसे लिमिटिंग हर वक्त नहीं होता, स्टैटिक में क्या होता है
जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होता है। यानी यहां पर अगर बोले कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, बिल्कुल बराबर। अगर 0 न्यूटन है तो 0 न्यूटन, 10 है तो 10 न्यूटन, 30 न्यूटन है तो 30 न्यूटन, 50 न्यूटन है तो 50 न्यूटन, ये बाउंड्री। अब ये यहां पर भी अप्लाइड फोर्स बराबर फ्रिक्शन फोर्स होता है, चूंकि चलता तो यहां पर भी नहीं है, लेकिन यहां 50 से स्टार्टिंग होता है, अप्लाइड फोर्स लगा 51 न्यूटन, देखिए नहीं चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है 51, 53 न्यूटन नहीं चल रहा है तो 53, 55 न्यूटन नहीं चल रहा है तो कितना 55। यानी ये 50 के बाद से स्टार्ट होगा, अप टू 50 जो है वो स्टार्टिंग होगा और ये लिमिटिंग का होगा। लेकिन चूंकि जब चल जाएगा, यानी यहां पे क्या होगा, मूवमेंट होगा, डायनेमिक कंडीशन चल रहा है, तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स फिक्स होगा, कितना होगा 50 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स तुम लगाओ 60 तो ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स कितना 50, अप्लाइड फोर्स लगाए 70 तो ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स कितना 50। तब यहां पर कंक्लूजन आता है, तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ सबसे अधिक फ्रिक्शन फोर्स किसमें होता है। तो देखो अगर तो इसमें क्या है, मान लो 3 लड़का है, एक लड़का है ऐसा जिसके पास हो सकता है 1 भी रुपया नहीं हो, सकता 10 रुपया हो सकता 20 रुपया हो और अधिकतम 50 रुपया तक हो सकता है उसके पॉकेट, यानी हो सकता है पैसा नहीं भी हो और अधिकतम कितना रुपया होगा 50 रुपया। एक लड़का ऐसा है जिसके पास हर समय 85 रुपया है, ना 50 रुपया से ज्यादा है ना 50 रुपया से कम है, और एक लड़का ऐसा है जिसके पास 50 रुपया भी हो सकता है, 51 रुपया भी हो सकता है, 53 रुपया भी हो सकता है, 55 रुपया भी हो सकता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए बताओ इस 3 लड़के में सबसे अधिक पैसा होने का चांसेस किसके पास है, तो तुम बोलोगे इसके पास, क्योंकि इसके पास 50 से स्टार्ट ही होता है और कहां पे जा सकता है 55 तक, उसके सेकंड में कौन आएगा, ये इसके 50 तो होना ही होना है, 50 फिक्स है ना ज्यादा ना कम, और सबसे कम इसके पास होगा, क्योंकि हो सकता है 50 भी हो लेकिन हो सकता है 40 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, 10 भी हो सकता है, नहीं भी हो। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ सबसे अधिक फ्रिक्शन फोर्स किसमें होता है, तो तुम बोलना लिमिटिंग में होता है सबसे अधिक फ्रिक्शन फोर्स, उसके बाद किसमें होता है काइनेटिक में होता है, किसके पास 50 रहता है, और उसके सबसे कम किस में होता है स्टार्टिंग से 0 से 50 के बीच में होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है, अगर तुमसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन फोर्स सबसे अधिक किस में होता है, तो लिमिटिंग में, फिर फ्रिक्शन फोर्स किस में हो गया काइनेटिक में, फिर फ्रिक्शन फोर्स किस में हो जाएगा स्टार्टिंग, ये इसका ऑर्डर है। तो ये 3 तरह का मेनली फ्रिक्शन है, अब नेक्स्ट डे करेंगे फिर इसके बाद, है ना। अगर एक बार में जैसे वीडियो देखते हो तो रिवाइंड कर करके देखना कई बार, है ना, तब ज्यादा क्लियर होगा।